हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड। एंड दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई लाहौर 1947 वर्सेस सिंघम अगेन के क्लैश के बारे में। एंड भाई, एक और वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना ये वीडियो देखने के बाद। एंड भाई, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई पब्लिक का रिएक्शन क्या है, पब्लिक किसके साथ है, यूट्यूब कम्युनिटी के जो यूट्यूबर्स हैं वो लाहौर 1947 के साथ है या सिंघम अगेन के साथ है। पहली बात तो यूट्यूब में ज़्यादा लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, बट सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बात चल रही है फ़ैन क्लब्स के बीच में कि भाई पुष्पा आई है, पुष्पा आने वाली है 15 अगस्त को, तो सिंघम डर के भाग गई। वो तो भाई ज़ोरों शोरों से चल रही है। एंड उसी बीच ये बात भी चल रही है कि भाई सिंघम अब टकराने वाली है किससे, भाई लाहौर 1947 से। तो भाई सिंघम अगेन एंड लाहौर 1947 पब्लिक किसके सपोर्ट में, तो भाई पब्लिक अभी न्यूट्रल है, टू बी फ्रैंक पब्लिक अभी न्यूट्रल है। एंड जो सिंघम अगेन है उसको, सिंघम उसका कंटेंट को वीक मान रही है। रीज़न है कि भाई पुष्पा के सामने आप बोलते हो, आते हो, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट झाड़ते हो और बोलते हो कि मेरी पिक्चर की स्टोरी में दम है, मैं किसी से क्लैश करने के लिए डरता हूँ, मैंने डेट ऐसा ही चूज़ किया। रोहित शेट्टी कहते हैं मैंने डेट ऐसा ही चूज़ किया कि यहाँ पे भाई सभी पिक्चरें आने वाली है, मुझे क्लैश करना है, मुझे पता है। एंड भाई अब जो उन्होंने डेट चूज़ किया है वो भाई बीच में दिवाली का आने वाला था, बट रेड 2 आने वाली ऐसा सुनने को मिला। एंड भाई इस पिक्चर को अब ले गए हैं भाई ये लोग सीधा एक साल आगे, यानी कि 2025-26 जनवरी। एंड 2025-26 जनवरी भाई एक बंदे के लिए फिक्स थी, एक बंदे के लिए बुक थी, वो कौन थे, हमारे सनी पाजी। बट अब यहाँ पे भाई हमारे सिंघम भी आ गए हैं, यानी कि हमारे सिंघम अगेन को लेकर आ रहा है अजय देवगन, जो कि भाई बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही घटिया न्यूज़ है। क्योंकि भाई पहली बात तो कि ये बंदे का डेट ऑलरेडी फिक्स था इस पिक्चर को लेके। एंड भाई एक हेल्दी कॉम्पिटिशन अगर आपको करना है तो भाई आप दिवाली में कर लो भाई। अजय देवगन आपकी इतनी सारी पिक्चर आ रही है, अभी आपकी जून या जुलाई में एक और मूवी, जुलाई में एक और मूवी आने वाली है, औरों में कहाँ दम था, तो आप फिर एक और पिक्चर लेके आने वाले हो रेड 2, तो आप भाई क्या कर रहे हो भाई। मतलब अगर इतने पिक्चर एक साथ लाने, अक्की पाजी बनना है क्या? मतलब वही बात है भाई कि लाहौर 1947 जो कि पहले से डिसाइडेड थी कि वो 26 जनवरी 2025 में आएगी, अगर आप उस समय अपना सिंघम अगेन लेके आओगे तो भाई सनी पाजी को ही नुकसान होगा ना। क्योंकि भाई एज स्क्रीन काउंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे, ठीक है, आज के टाइम पे स्क्रीन काउंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड सिंघम अगेन जो रिलायंस के पार्टनरशिप में बनने वाले हैं, रिलायंस स्क्रीन कैप्चर करने में बहुत आगे हैं। एंड रही बात आमिर खान एंड ऑली, ओवरसीज़ में कमाल कर सकते हैं बट इंडिया में उतना ज़्यादा कमाल नहीं कर सकते भाई, जो आमिर खान फिल्म्स हैं वो उतना ज़्यादा कमाल नहीं कर सकते, तो ये एक चीज़ आप मत करो। दूसरी बात है कि जो पब्लिक है वो कौन सी पिक्चर को सपोर्ट करे, भाई जो पब्लिक है ना वो लाहौर 1947 को सपोर्ट कर रही है। द रीज़न इज़ सिंपल, बिकॉज लाहौर 1947 जो है भाई उसको लेकर लोगों के बीच में एक पॉजिटिव वाइब है, क्योंकि आमिर खान है, उनका प्रोडक्शन हाउस है, राजकुमार संतोषी है, सनी देओल है, प्रीति जिंता है, करण देओल है, अभिमन्यु सिंह पिक्चर के विलन है, तो भाई कास्ट एकदम दमदार है, ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, तो भाई इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। एंड दूसरी तरफ अगर आप देखो दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, अक्षय कुमार एंड उसके बाद टाइगर श्रॉफ, एंड उसके बाद कौन है उस पिक्चर में भाई, और कौन बचा, रणवीर सिंह। तो भाई पूरा बॉलीवुड आप ले आए हो, बॉलीवुड के जितने भी ना चलने वाले, टाइगर श्रॉफ की पिक्चरें फ्लॉप हैं, आपका रणवीर सिंह भाई डॉन पिक्चर उसका शेल्व हो गया, दीपिका लेडी सिंघम जिनको आपको बनाना है, तो भाई सिंघम के लिए जगह कहाँ है। अजय देवगन के फैंस खुद नाराज़ है कि भाई हमारे हीरो के लिए जगह कहाँ है पिक्चर में, आप इतने सारे कैमियोज डाल रहे हो, इतने सारे पिक्चर में सीन्स डाल रहे हो, तो भाई सारे स्क्रीन्स तो ये खा जाएंगे, तो हमारा एक्टर सिंघम ये कहाँ जाएगा भाई। तो अजय के फ़ैन भी भड़के हुए और वो लाहौर 1947 को सपोर्ट कर रहे हैं। अजय के फैन स्टार्टिंग से ही भाई न्यूट्रल होते हैं, पिक्चर की ट्रेलर अच्छी है, मैदान काफ़ी अच्छी थी, पिक्चर की चली भी, बट उतना ज़्यादा कमाल नहीं कर पा रही है बॉक्स ऑफिस पे, बिकॉज एक स्पोर्ट्स ड्रामा वाली पिक्चर। वही चीज़ भाई अगर सिंघम अगेन के बारे में देखें तो भाई लोगों को ऑलरेडी नेगेटिव वाइब है बिकॉज ऑफ द विलन अर्जुन कपूर। तो वही बात है दोस्तों, सिंघम अगेन बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो भाई आपको एक काम करना है भाई, जो रोहित शेट्टी की पिक्चर है ना वो भाई आगे जाने वाली है, आप कुछ भी कर लो, तो भाई ये जो हमारे आमिर खान की पिक्चर है ना, आमिर खान फिल्म्स को भाई बिल्कुल भी नहीं हटाना है ये पिक्चर। सनी पाजी का पिक्चर आप हटाओ ही मत उस डेट से, 26 जनवरी में आने दो, क्योंकि रोहित शेट्टी ऑलरेडी दो डेट पार करके आया है इस डेट में, वो एक और डेट भी पार करेगा। रीज़न ये कि भाई उसको पता है कि उसको बजट रिकवर करना, उस पिक्चर का बजट 350 करोड़ बताया जा रहा है उतना, और हमारे पिक्चर की बजट कितना है, 150 करोड़,
तो भाई वही चीज़ है, उसको भाई अपने पिक्चर का बजट रिकवर करना उसका 1000 करोड़ का ड्रीम है। एंड अगर लाहौर 1947 जो बंदा भाई 2023 की बोल सकते हो सेकंड हाईएस्ट पैन इंडिया मूवी देता है, सेकंड हाईएस्ट भाई सबसे बड़ी पिक्चर देता है, हिंदी में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी आफ्टर जवान देता है, वो कौन पिक्चर भाई, कौन भाई, किसकी पिक्चर भाई, सनी पाजी की, अगर उससे टकराने का वो ज़रूरत कर रहा है तो भाई बहुत बड़ा गलती कर रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आमिर खान फिल्म्स ने इस पिक्चर को नहीं हटाया, अगर आमिर खान फिल्म से पिक्चर को नहीं हटाती है, देन गारंटी एंड गारंटी दे रहा हूँ कि भाई रोहित शेट्टी अपनी पिक्चर सिंघम अगेन को हटाने वाले हैं। एंड भाई क्लैश अगर जीतेगा तो सिर्फ एक ही बंदा जीतेगा, वो है सनी देओल।